से बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले हैं ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री। टोनी ब्लेयर ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, हरियाणा भवन में ये मीटिंग हुई। मिलकर काम करने की संभावना पर इस दौरान चर्चा की गई है दोनों के बीच। बुनियादी सुविधाओं पर साथ काम करने पर मंथन हुआ है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है और इस दौरान कई अहम बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के बीच चर्चा हुई। और तस्वीरें देखिए किस तरह से स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूर्व प्रधानमंत्री ब्रिटेन के हरियाणा भवन में। आपको बता दें यह मुलाकात हुई है और इस दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। साथ मिलकर काम करने की संभावना पर चर्चा की है मुख्यमंत्री ने। बुनियादी सुविधाओं पर भी साथ काम करने पर मंथन इस दौरान किया गया है, यानी बेहद ही महत्वपूर्ण ये पूरी मुलाकात रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। आपको बता दें कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं टोनी ब्लेयर, जिन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। हरियाणा भवन में यह मुलाकात हुई है और इस दौरान कई अहम बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई दोनों दिग्गजों के बीच में। हरियाणा भवन में यह मुलाकात हुई और साथ मिलकर काम करने की संभावना, बुनियादी सुविधाओं पर साथ काम करने पर मंथन हुआ है। बड़ी खबर, अहम जानकारी राजधानी दिल्ली से आपको बता रहे हैं और दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। स्पर्श, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुलाकात हुई है, बताया जा रहा है कई अहम बिंदुओं को लेकर इस दौरान चर्चा की गई है। देखिए बिल्कुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है 3 दिवसीय दिल्ली NCR के दौरे पर हैं। आज मुख्यमंत्री हरियाणा भवन में मौजूद थे और वहां पर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से हरियाणा भवन में मुलाकात की है। इस दौरान कई सारे जो अहम विषय थे उनको लेकर यहाँ पर सीधे तौर पर चर्चा होती हुई नजर आई है, जिसमें टोनी ब्लेयर फाउंडेशन जो कि दुनिया भर में जो है काम करता हुआ नजर आता है, वो हरियाणा सरकार के साथ मिलकर किस तरीके से काम करता हुआ नजर आ सकता है, उन संभावनाओं पर जो है चर्चा मुख्यमंत्री और टोनी ब्लेयर के बीच में होती जो है नजर आई है। इसके अलावा स्वास्थ्य और बुनियादी जो सुविधाएं होती हैं उन विषयों को लेकर किस तरीके से जो है हरियाणा में जो है विस्तार किया जा सकता है, संभावनाएं जो है उन विषयों को लेकर जो है तलाशी जा सकती हैं। इन तमाम विषयों को लेकर जो मुख्यमंत्री हैं वो टोनी ब्लेयर से जो है मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। लेकिन स्पर्श, किस तरह से ये पूरी बैठक खास रही है, क्या इसको लेकर किसी प्रकार का निष्कर्ष अभी तक निकलकर साथ सामने आ पाया है? मुलाकात में जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि बुनियादी सुविधाओं पर साथ काम करने पर मंथन हुआ है, किसी तरह का कोई फैसला या फिर आने वाले समय में किसी प्रकार के फैसले की संभावना? देखिए, अगर हम बात करें जो टोनी ब्लेयर फाउंडेशन है वो दुनिया भर में स्वास्थ्य और बुनियादी सेवाओं के लिए जो है काम करता हुआ नजर आता है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि G20 जो सम्मेलन है वो भी भारत में चलता हुआ नजर आ रहा है और उसकी जो हाल फिलहाल बैठकें हैं वो गुरुग्राम में देखने को मिलती नजर आ रही हैं। ऐसे में हरियाणा प्रदेश इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी लिहाज से हम ये देख रहे हैं कि जब आज यहाँ पर मुलाकात होती हुई नजर आई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और मुख्यमंत्री के बीच में, तो तमाम जो संभावनाएं हैं वो तलाशी गई कि किस तरीके से जो स्वास्थ्य और बुनियादी सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं, उसको लेकर कार्य जो है जो टोनी ब्लेयर फाउंडेशन है या फिर हरियाणा सरकार मिलकर करती हुई नजर आ सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, ब्रिटेन के पूर्व PM ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से अहम मुलाकात की है।